लैला मजनू ही रांझा सोहनी महिमाल जिनके प्रणय जोड़ियों को करीबन सब लोग जानते हैं, मगर लोक साहित्य, लोकगीत और लोक कथाओं में ढोला मारू तथा लोरी चंदा की प्रणय जोड़ियों को ज्यादा लोग नहीं जानते। यह हमारे छत्तीसगढ़ की जमीन के लिए हक की बात है। लोरी चंदा का त्याग भरा प्यार यही फला फुला, उनके दीवानगी से भरा प्यार छत्तीसगढ़ की गली गली में गीत बनकर गूंज रहा है, गूंज रहा है। तो आइए ले चलते हैं ग्राम के चांदुर की संता सोन सागर चंदनी, जिनके द्वारा लोरी को चंदा की प्रेम गाथा अमर कहानी को साकार करने जा रहे हैं। गाओ गाइए गगनपति जय वंदना भाई, गाइए वो गाइए गगनपति जय वंदना भाई, शंकर सुवना भवानी जी के नंदन शंकर सुवना भवानी जी के नंदन भवानी जी के नंदन, गाइए हो गाइए गगन पति जय शारद सैनी दोनों बहनी रागी नहीं ते कावेला हो जाता नाजे जेने कावेला देवाओं में गुड़िया वनारी अरे कावे का जल सजाए मैयाला देवाओं में गुड़िया वनारी अरे भरोसा बला गरी जातो शारद नहीं दे अखर के गुरु बैताल ला सुमर नहीं दे चौसठ जोगनी मैं जासला सुमर नहीं दे खावत मीठा गुड़ा सुक्रिया रागी नहीं दे सुनता मीठा मुरचांद शारद नहीं दे जय महामाई मोरे महबा के तो यखर जय गुरु बैता रे तो बारह रे पाली की गड़ा गौरा भैया सोलह पाली की गड़ा हल्दी रे तो
रामा सिया रामा सिया रामा तो मन से बजिया मन मोहन बारह पाली की गड़गुरा सोलह गली कर खोर जहाँ बसे चंदा भरी न रे लोरी भैया जी गल राजा हमारे के पास एक सोन सागर नामक भैंस थे मगर कोई रावत में हिम्मत नहीं हो सकी कि मोर भैंस के पाड़ू दिखा सके छह अगर छह गुरी झिरी एक कोसरे रावत जेकर हाथ में जंजीर पाँव में बेली बंधे भैंस छिप लबिया डरिस लिख की खबर भेजी रीवा राज में कुबिया और कठार के पास अच्छा वो आते मोला कुबिया और कठार जिसे लगते पहले मोर भैंस ले जाके देखा लूंगी आ है आ है अरे तुमन कौन हो बेटा मोर नाम कठार के दादा मोर नाम कुबिया राजा साहेब तो देखो बेटा कुबिया कठार तू तुमन मोर यहाँ कहाँ पर आओ नौकरी लगे बात मर बेटा अभी तक कोई राव मोर भैंस की पिला नहीं दिखा सकीस और तुमन मोर यहाँ नौकरी लगे पहुँचे हो तो भैंस ले देखे हो देखे नहीं चलो मैं भैंस ले कोठा में दिखा देता हूँ ये देख कोठा में भैंस आवे आ है आ है तू जाओ बेटा मोर आशीर्वाद है ए भैंस ले साल भर चराय के देखू मर ख्याल करके एक भाई जागू तो एक भाई सोहू और एक भाई सोहू तो एक भाई जागू वरदानी भैंस बेटा अभी तक कोई भैंस के पिला नहीं दिखा सके कोई बात नहीं ठाकुर मर एक काम करो हम राउत की जातन झिरिया को सरे राउत हुसन दोहा पारे लगी हम राउत की जातन दोहा पारो बेटा उगा वा भैंस ले चराय वाले ले जाओ ठीक है देख भैया धन्य हमार भार अपन गांव में छोड़ के राजा के घर नौकरी लगे वाला हम हाँ भैया सुन सागर भेज के सुन पड़ू देखा तो कही हाँ भैया साल भले भेज ले चला फिर आके देखो हाँ सेवा करके देखो अरे रे 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 चित्रकूट के घाट में हर सन कल भीर रे सुशीला चंदन घिजा तिलक रे रघुवीर रे जय महामाई महोबगी अखर गुरु बतार चौसठ जोगनी जासल भोजा मेरे बेतार वाह बेटा जाओ ले जाओ मोर आशीर्वाद है ये जंगल के रास्ता तू देख कसकिट कसकिट जंगल करत है यहाँ चिरी जीव करे कवा काम नहीं करे हाँ भैया ये भैंसला चरा बस जात हम अति कति गरवा गाय एक दहन ते घर वाला देखे एक दहन ते घर वाला देखूंगा हाँ भैया हो रे हो रे हो रे हो रे आ है Thank you.
पूर रात के समय हो गए थे भैया। बड़े भैया घर के नहरी रात। हाँ भैया हमला राजा घर निकले पाँच छह सात महीना बीत गई। हाँ ये भैया जंगल में जरा थे रात लाना। हाँ भैया रात के रात घरों ज्यादा बुझे। हाँ यही का ठोकिन चाहता थे। हाँ चार पहरात गरबा लेकर थाम ले थाम पहाड़ी फिर आगे हम बढ़ा ले। बड़ा सुंदर बात है भैया। एक ढंग की गरबा अच्छी देखी एक ढंग की गरबा नहीं देखी। ठीक है भैया रानी भाई से छह पीला भी आ डर रही सातवा पीला हमला दिखाए बजे। हाँ भैया एक भाई जागो एक भाई सुखो एक भाई सुखो एक भाई जागो। आज हमला घर ले सार घरों के निकले भैया। हाँ ना तो स्वयं ठिकाना ना सेम ठिकाना खोएं ठिकाना केम ठिकाना भैया। हाँ रात के रात ज्यादा हो गए भैया। हाँ समय तो आज दोनों के दिनों रात और दिन जागत हूँ भैया। दोनों ढंग के कोई नींद पड़ गए भैया। भाई सेती उठी चल गई साहब ऊपर एक काम करते भैया बता। मैं एक दिन तस्वीर देते हूँ भैया। हाँ बोला थकाती थकाती लागत थी नींद की नींद लागत थी भैया। हाँ वो नींद हपाई देती मैं गरबा गाल देखते हूँ काम पे सुन देते भैया। बन नहीं बड़े भैया अभी तो आराम कर मैं दर्शा पहले गरबा गाल रहा था। अरे जा बड़े भैया मैं सुते बसती हूँ अति कति गरबा गाले में राखत खड़े हम समय कौन जाने रखे मुरन को पड़ दी भैंस पीड़ा हरें दे ओकर एक काम करते हूँ कहा ये भैंस के पूछी खड़े रखो और धरे धरे खड़े रहो जत्ता पहले जागू तत्ता पहले जागू को मोर नींद पड़वे कर ही भैंस के संग में घिलर जाऊ मो नींद उमर जाऊ रखवारी रखवारी और नींद की नींद अरे मैं भैंस के रखवाली करत रही हूँ कतिक बेर मोर नींद पड़ गई आंखें मुझागे फिर कौन धान चलती तो कौन धान भगवान जंगल के कारोबार खोजत खोजत अंधियार घर हो गई बड़े भैया जगा लेता ए भैया कहा हो गएगा भैंस कौन धान चलती बड़े भैया। हाँ भैंस कौन धान चलती भैया में तो दोनों भैंसला देखे बेर कह रही हूँ भैंसला कते धान चलती कथा आज छे अगर छे कोरी राउत मन के हाथ में हथकड़ी पाँव बेली लगे भैया आज बिना कारण के हम लोग हाथ में हथकड़ी पाँव बेली लग गई बड़े भैया दिन गए कि रात नहीं गए एक घंटे पता करे जा एक घंटे पता करे जा। अच्छा ठीक है भैया चल छोड़ दे ये कर पांडू हमें चेला देख ये भैंस कैसे बैठे है जाबरा में आही आही बड़े भैया। हाँ भैया आज हमारे मन के किस्मत जागी राजा के घर नौकरी लगे हैं ये गरबा गाल उठा राजा घर के कोठा में जा कोई ला दे राजा साबला हमन जाके बता दे। चल भैया बड़ा खुशी है भैया। हाँ और गरबा कहा अरे
सियार ला दे ए गांव के हमर ठाकुर देवता ला दे जिला साल भर पर हमन छोड़ती के रहे हां भैया गरबा गाला कोठा में ला दे राजा साहब ला खबर देखी आवा अच्छा ठीक है भैया मोला लाखे ओ कुबी और का ठहर मन आप पीछे लगते अरे आओ बेटा आओ आओ खुश रहा बेटा खुश रहा बेटा खुश रहा किसी भैंस के पड़ू दिखाओ रहे कहाँ है कोठा में हमन भैंस लोग ला रहे हैं छोटे कुरिया में पड़ू ला रहा मार एक काम करो बेटा अभी तक कोई राउत में हिम्मत नहीं दी से कि मोर भैंस के पिला दिखा के तुमन भैंस के पिला दिखा दो मर ये जो सोन सागर भैंस से वो भैंस तो दूर लेते बेटा सुंदर के पेज बना के शहर पर मार देते ऐसे तो हुकुम है मालिक ऐसे तो तैयारी करो ऐसा में दाना कुहा खवा डरे हो हाँ एला हमारा दुहे बर है बोरस निकाले बर है पड़ुआ भी निचेट ले वही है फूटा मानक बने नहीं तू चार दिन से धर रहे अभी अभी बोरस निकाला हाँ भैया मैं पढ़ रहे हैं अरे बाप रे ओ हो अस्सी गाढ़ा का आपका रूप हमारी आज खेला दे ये कुल बोल रहा है दूसरा ये कुल बोल रहा है लेना आती गले नीचे हाथ रहे ढिंदे बड़े भैया ढिंदे ढिंदे बड़े भैया सात कुंड दूते है एक हम लोग क्रोध बना कर ही अलग अलग बर्तन में बनाबो एक घंटा की दो घंटा हो ही पहले बर्तन ऊपर बर्तन बर्तन ऊपर बर्तन बर्तन ऊपर बर्तन जमा दे दस की आगे बाद में संग्रह क्रोध बन जब आते भैया अरे बाप रे पेशन जब तेला तो दे हा हा बस बेटा उतार दो मस्त सुंदर बने सवाद भी अच्छा है इस पूरा शहर में बांट दे बहुत अच्छा सवाद है ये रानी गलत है ले रानी तो खा तीन थारी के पेश लो के दे रहन जा तीन थारी के पेश लो के मीठा ले तो खा रानी हां हां सवाद किसे ये ले ये ले कौन रहा कुबिया का ठाया था बांट भैया बांट किने दिन ले ये भैया ला 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 राजा घर के भैया में है अरे ला 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 भैया ए दाई पेउस ले वो पेउस ले आई लाल बेटा लाल राजा साहब राजा साहब ने खबर बता का देखो राजा साहब हाँ बेटा बात क्या ले जा अपन काम कर ठीक है मोरी जाए समय करी दिन बीती बरी मोर धीरे धीरे दिन बीते मोर धीरे धीरे दिन बीते दूले तीन तीन ले चार पांच और छह महीने के साथी आखी दीदी मोर बीता था मोर नाम मोर नाम नौ लगा के छिया लगे आधी रात के समय रानी महारिन की गर्भ से बड़ा सुंदर खेल लड़की जल मेले से कहते कते सुंदर लड़की भगवान नीर बेटा नीर 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 मोरा सुंदर बेटी मोरे जा
दिन से यही राजा वो मोर खुशिये ना मंगल सोहर गावते मोर राजा रानी गजब खुशी हुए मोर घर में कन्या आया मैं वो मार के खुशीला का पूछबे घर में सुंदर लड़की आए के बाद ब्राह्मण देवता बुलावन लागे रे ब्राह्मण देवता शुभ नक्षत्र शुभ मुहर देख के राजकुमारी के नाम रख दी चंदा पल्ल में खिले राजकुमारी चंदा कति सुहर मंगल गाथे वो भगवान धर्म भागला वैरी दुनिया में लाखों की धन दौलत है सिर्फ धीमी दिए जलिया बेटा है बेटी है सब कुछ बेकार है चलो रे राउत हो गांव में खुशी मनाओ गांव में ढिंडोरा पिटवाओ राजभवन में सुंदर सोहर मंगल गाओ ओ नीरो बेटा नीरो धीरे धीरे लाल नाला बनना जुदा राजकुमार एक नाम रख दी चंदा हफ्ता दिन बीतते कुबिया कठार राउत पहुँचते वाह बेटा तोर आय कारण का है मोर यहाँ गुट्टू आ जाता छठी नेता है ओहो बेटा कुबिया कठार ते मोर यहाँ अंधेला में प्रकाश कर देस कावर अभी तक कोई रोक नहीं हिम्मत नहीं जिसकी मोर भैंस के पीला दिखाए भैंस के पीला दिखाए साल भर होने पीस मोर यहाँ लड़किया है मोर लड़का है तू एक काम कर बेटा राउत तो लड़का का नाम रख दे लोरिक और मोर राजकुमार का नाम है चंदा ठीक है सबके लिखा आठे पाठे बाढ़े लोरिक चंदा नि दिन बाढ़ लागे रे जहरी समय कर मोरा बेरा में दी धीरे धीरे बीतन लागे मोर घर लड़की चंदा आए है दाई वो काम में लागे मारे खुशी वो माना वाक बैरी काम न लागे के बरस के मोर चंदा हो गए वो राजा सोचन लगे मोरे चंदा
चमके शादी के देतो दाई ओ मरहु का जी हवार राजा महर के मोर बाटे लसुने ओ रानी का मन लगे मार के मन में विचार रही कि मोर राजमाई चंदा 5 साल के हो गए तब मरू का जी हुई जिंदगी में कुछ नहीं है बंती तेरे पहाटिया राजमाई चंदा के शादी ला कर देते रे राजा मार मन में विचार करे के बाप सुंदर ने राजमाई के लिए वर कहाँ ढूंढेगा रीवा राज में अच्छा। राजा बवाड़ा की लड़की बीरबावन बीरबावन के साथ राजमाई चंदा ला मंगल सूत्रों में बांधे के कैसे तैयारी करना लागे रे सनम मोरा कहाँ लगे चंदाला मोरा सुनी ले बेटी वो माँ बाबा के उधारे ला मैं है छुट्टी दे हूँ चंदा वो मोरा कहाँ था वे रागी मोरा कहाँ था वे रागी लड़की लेकर हाजत कहा हाँ। रीवा राज के राजा बवाड़ा के पास बे राजा मैं अपन लड़की तोल दे हार गया बिल्कुल राजा साहब हमन तोर सन समझी बन जाओ का बर का मरू का जीव जिंदगी में कुछ नहीं सही बात है अब हमारा पूर्वज मन के हाथ चले कि बचपना में शादी कर देते हाँ। अपन लड़का लड़की योग्य हुई गौना पठौनी करा के आ जाइए बिल्कुल धीरे धीरे दिन बीतन लागे कुछ दिन के बाद में राजमई चंदा गौना के लाई के हो न लागे रे ए तब राजकुमार बीरबावन जंगल में 9 लाख गैया बकराए थे घोर जंगल कटकी कटकी डोरी करे चिड़े चुनी कहा कौआ कौ नहीं कहा जंगल में राजकुमार गैया चढ़ाए खाते चले जाते होर होर यहाँ जंगल मोला प्यास लगा थे खोजी में पानी नहीं मिले बंती ते गाय धू लेता हूँ और पत्तक बना लेता हूँ दोना और ये दोना में सुंदर के लिए गाय की गोरस ले पी लेता हूँ बीरबावन मन में सोचे और सुंदर के लिए कैसे गैया दुहन लागे रे मोरे गैया गाय दो दुहाते सुनी ले राजा बैठिए बीरबावन दीदी मोरा दोना में वो मोरा कैसे गोराती है वो खाती है वो भाई मोरा कैसे गोराती है वो भाई बीरबावन सुंदर के लिए एक दोना गोरस उठा के पिए रागी फिर दूसरे ये दोना में गोरस दूसरे और नी पी सके सो जूठा गोरस ला सामने शंकर के मंदिर में चढ़ा देते जूठा गोरस शंकर मंदिर में चढ़ाए के बाद भगवान शंकर श्राप देते बीरबावन जैसे मोर साई शरीर में जूठा गोरस ले चढ़ा आज मोरा लाभ मार दे जहाँ से मोर श्राप इतने झोंक ले तो साई शरीर में कोढ़ की बीमारी हो जाये यहाँ तक से
ते राज में चंदल गौ ना करा के नीला सकस याया मोर श्राप है श्राप है श्राप है मोला श्राप तो गए बर दे दे लेकिन मोर मुक्ति के रास्ता कब होगी कैसे होगी येला बता दे बेटा तोर मुक्ति के रद्दा है जब राज में चंदल लोरी साल भर के लिए ले जाए और गिरवाना नदी ला पार करे तब तो कोई की बीमारी के मुक्ति हो जाएगी श्राप और वरदान मुलायंगी का है मोर जही समय करे बेरा बेरा भाई की पति बिरबावन शंकर के साथ कोड़ की बीमारी रहती थी। राजा मर तो राजमाई चंदनी के साथ धूम धड़ाके के साथ खड़े होते। अच्छा। बाजा गाजा मोहरी सनाई के साथ सुंदर के लिए तैयारी करे रहते। हाँ। बजा बजनिया और राजमाई चंदा के शादी की तैयारी है। तो गजब बेटा मार काम और किस्मत मेरी से है खुशहाल एक साथ साथ दुखी भी होने लगते काबल लड़की पर के धन होते राजा महल लिख के खबर भेजते है कि राजमाई चंदा अबका दिन ले मुरकुरा में समय अब मुरकुरा में नहीं समय जा बेटा एक खबर एक चिट्ठी लिख जा पहले में लिखा राम राम और दूजे भेजो हार समधी महाराज ले जोहार ये खबर ला जाके अच्छा। राजा बीरबावन के माय और बाप ला सुंदर कला दे देवे रे मर जाए रे समय के गो भैया बेरा में आवे मर पढ़ा तिची खिलाओ मर राजा ये राज मर दुखी मनावन लागे वो मर मारान लागे रानी बड़ा दुखी मनाते हाँ। जब मोर बेटा ये दाई बीरबावन जिला शंकर के साप लगे हावे रे सब सोचनी हो जाती कि हम का करन का नहीं करन हाँ। गांव के गुरु अजय बाबा है पहला जाके पूछ लेते हैं जा थोड़े पहाटे पूछ कि कुछ ऐसे उपाय बता जिन सांपों नहीं मरे न लौकी मत टूटे ये गुरु बाबा हवस का गो अरे मुला राजा साहब भेजे है क्यों कर समझी महाराज सफर भेजवा है अपन बहू लगाना करा के ले जाए पर बेटा ला संगर के श्राप लगे हाँ। कैसे ढंग के हमन बहू लगाना करा के जाबो अरे वही बात अलग तो महू गुना खाऊंगा आये बेटा शंकर भगवान के श्राप लगे है और बहू कैसे गौना खराक लानबो
समझी महाराज ले बदनामी बांट देती। अच्छा एक काम करते बापू हो किसे? अरे जे वो लोलित नाम के राउत लई कहावे अभी हाले हाल में ओकर बिहाव होएगा। अरे ओहिला अपन पैसा कौड़ी दे के अरे बहुत लानत ले दूल्हा राजा बना लेते हो बंटी का। तहु कहा था ते बात सुन तो है बंटो जही बाबा। हाँ तो जानो रे भाई जात हम यहाँ अभी राजा साहब ले बता देता हूँ लोरिक ला दूल्हा राजा बना के बहु लगौना करा के लागू कर। राजा साहब लोरिक ला दूल्हा राजा बनाबो कथन बन जाएगा। ठीक है ठीक है बन जाए। काबर वो भाई घरो होते और हाल मुकर भी आओ है पठौनिया है। ठीक है बेटा चलो तैयारी करो लोरिक ला दूल्हा बना देबो घर में राजमाई चंदा जही न सापोनी मरी लोड़ी। तो चल चल बेटा लोरी चल ठीक है तो कोई भी बात दूल्हा बन जाए बाजा जा तैयारी कर थन और राजकुमारी चैनल को ना कराक ले लो ठीक है बजाओ भैया बजाने आ। ठठोरिया 15 दिन में हम ये शहर में पहुँच गए राजा मार के राज में पहुँच गए बाजा गाजा की आवाज सुने राजा मार मन में खुशी हम आवन लागे रे कावर। ये दमान बाबू पहुँचे अमोर कुरल खाली कर देता हूँ राजमई चंदा की विदा कर देता हूँ मोर उधार छूट जाये राजमई चंदा के विदाई के तैयारी करने लागे रे मगर बस्ती की कोई नहीं जान सकिस पानी बोही पनियारिन देखी खान जोड़े मोटियारी और लौटी टेका डोगरी देखे लिखा पियावत ले कोरी देख तो राजकुमार चंदनी के घर वाले गजब सुंदर दिखता हावे रे संगे वा। ले रानी चंदर जल्दी तैयारी कर अर्दमान बाबू ले बरा है। हाँ राजा साहब। ठीक है चंदा की विदाई के समय थे माँ बाप बड़ा दुखी थे नए से आंसू बहते थे बेटी चंदा तोरी गवैना सपना हो गे चंदा तोरे गवैना सपना बिहनिया की रूवती संजा हो गे तोरी सपना गौना चंदा तोरी गवैना सपना हो दाई तोर रोवे दादा तोर रोवे दाई तोर रोवे दादा तोर रोवे रोवत रोवत आँखी सुहागे जा बेटी जा रोवती संजा हो गे संजा तोर गवैना सपना हो गे संजा तोर गवैना सपना।
नीच बनायो महल अटारी। जा बेटी जा चंगा अभी ते जावे परी के द्वार। अभी ते जावे परी के द्वार। सो की साली कलपीना हो गे तोरी गवना सपना हो गे। चंदा तोरी गवना सपना हो गे। चंदा तोरी गवना सपना हो गे। माँ ये गरीबी के घर में आ जाने बाबू आज मैं तो कोरा ला छोड़ के जाता। हाँ हाँ जरूर रहूँ बेटा जरूर रहूँ। धीरे डोला आगे बढ़ी। कुछ दूर के बाद में डोला नदी के पास पहुंच थी। राजकुमारी चंद्री मन मन में सोचने लगे भाई मोर सारी शरीर मुँह कान में घूंघट ढके मगर शादी के समय जी भर के मोर पति देव देखे रहे। आज मोर पति जेकर सामने साध और कीजे हूँ एक नजर देख लेता रे जौनी समय कर बेरिया में वो काला काम और संगी सोचना मन में गुने वो दाई चंदा राग जना मोरा देखा था वे दीदी काला काम और संगी ये घूंगा उठा के देखन लागे वो मोरे बेटा था वे दीदा। राजमाई चंदनी पति ला देखे नगर भर के वाह भगवान जे दिन मोर जोड़ी के संग में साथ भाव किंजरे हो वो दिन देखियो बड़ा सुंदर मोर जोड़ी रही से मोला लागी दूसरा तो नहीं हुई। अभी डोला राधा बीच में आ है बंती ती कूद के भाग जथो। लोरी के चेहरा देखे काला घुंघराला बाल ये तो मोर पति जी से नहीं लगे अज्ञात पति पे से लागे ना लागे रे संगवान। राजमाई चंदा डोला से कूदे की तैयारी करते और डोरहाल डोला रुकवा के कैसे डोला ले कूदते अरे हाँ चंदा भग के जाते एक रुक चंदा रुक रुक जा ओहो कति का के निकल गए पकड़ो दौड़ो रुक चंदा रुक रुक। यहाँ घोर जंगल एक अकेली लड़की चिड़ी चुनी का है कुआ कौनी का है कहाँ भग के जावे माँ बाप के घर बहुत दूर छूट गए दूर छूट गए। रुक जा रुकना बता क्या बात है। अन्न में राजमाई चंदा रुकते है लोरी के लिए निहारते कहते देख एमे मोर कोई दोस्त न है दोस्त तो तोर सास और ससुर और तोर माँ और बाप के जी तोर बचपन में शादी कर दे रही से मारे ऐसे तोर किस्मत मेरी से
कि तोर पति बीरबावन कोड़ की बीमारी हो गई। तोर माँ बाप के कहे के मुताबिक मैं उकर चचेरा भाई होत हूँ, इसी कारण से मैं तो गौना करा खिलाफ हूँ। इमे कोई मोर धोखा नहीं है, धोखा नहीं है, धोखा नहीं है। रुक चंदा, राज में चंदा जब अंदर मन मंदिर में देखे लोरी के लगते वाह भगवान, जब मोर पति लीला शंकर के साथ है ओकर सच्चा इलत मन मंदिर में मैं लोरी के बसा लेता हूँ। उस दिन से लोरी और चंदा, चंदाला लोरी के मन में बसा लेते और लोरी चंदाला, चंदा लोरी के लोरी चंदाला, दोनों में प्रेम की भावना फूट जाती। लोरी कहते राजकुमार जी चल दूल्हा बैठ। फिर लोरी कहते जब याबे ते हमोरे अंगनामा, जब याबे ते हमोरे अंगनामा, जब याबे ते हमोरे अंगनामा, बगीना हूँ तोला सोना गहना। जब याबे ते हमोरे अंगनामा, बगीना हूँ तोला सोना गहना। सवर जही चंदा मोरो घर के वो ना सोना, सवर जही चंदा मोरो घर के वो ना सोना। तोर चूड़ी खनखनाई, तोर चूड़ी खनखनाई, तोर पैरी झंझनाई, जब लावे खाना तेहा खे तुमा, जही चंदा मोरो घर के वो ना सोना। जब आवे ते हमोर अंगनामा, बगीना हूँ तोला सोना गहना। जब आवे ते हमोर अंगनामा, बगीना हूँ तोला सोना गहना। सावर जही चंदा मोरो घर के वो ना सोना, सावर जही चंदा मोरो घर के वो ना सोना। तोला कहाँ पुरसा, तोला कहाँ हेरा, चंदा से फिकर मत कर चल। अरे बारह पाली के शहर और रिवर आज मात्र 8 किलोमीटर की दूरी है। मोल बदनाम हुई चंदा, चल से डोला में बैठ। मैं तोला तोर पति देव तोर सास ससुर घर में छोड़ते और मैं वापिस चले जाता हूँ, घबरा मत, ठीक है ना। हाँ तो चल। तोला कहाँ पुरसा, तोला कहाँ हेरा, खाना बनावत ले वो जैसा, सुवा कर मलगाऊं लैका लोग लखेलाऊं, सुवा कर मलगाऊं। पुन्नी कैसे कन्ना बनी मोर मन हा, जब आबे ते हमोर अंगनामा, बजना हूँ तोला सोना गहना। जब आबे ते हमोर अंगनामा, बजना हूँ तोला सोना गहना। सवर जही चंदा मोरो घर के वो ना कोना, सवर जही चंदा मोरो घर के वो ना कोना। Thank you.
तेरी चंदा मोरो घर के वो ना बोला। चल भाई डोला में घबरात पगली कहीं के हाँ। ते तोर साथ में मोला बदनाम कर दे बे। धीरे धीरे डोला आगे बढ़ना लागे रे सगावाई। कति सुंदर डोला चलती 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 वापिस बारा पालिके शहर से कहाँ चले गए रीवा ग्राम में चले गए थे। जब राजमयी चंदा के डोला आते और राजमयी चंदा भी मन मन से वाह भगवान जिसने मैं हूँ उसने मोर पति देव लोरिक ला पति के रूप में स्वीकार कर थे। लोरिक राजमयी चंदा ला ले जाकर अगर माँ बाप के घर में पहुंचा देते उसका सास ससुर घर में पहुंचा देते कहते राजा ए तोर धन तोर चीज लते समान अब मैं चलो अपन राउत के जाता हूँ। मोर जहीर समाय कर मोरा कान लागे हाथ में रखे तेंदू साल की लौटी नौ हाथ के बांधे में पागा पहने पूरा वहीं के कुर्ता और दहान में घर वाला लेगना लागे रे संगवारा। राजमाई चंदा खुशी से कुछ दिन बिताते लोरिक अपन बाप कुबिया और कठार लगते दाई खोलन लगते ए दाई काय बेटा काय गा देख दाई दादा कहाँ है आई तो दादा भी डाल मोई बेटा हाँ पालेंगा कहते दादा बेटा देख दादा मैं देहान में गरबा गाय लेगा था और तेरी जान था और भर कर दे ब्याह कर दे एक दिन की कुछ नहीं है दादा तो मैं देहान में गरबा ला ले जाता थका 12 बजे खा पी ले बे और ते गरबा गाय चाबे मैं बाजार जाऊँ दादा ठीक है मोर खेदा थे बैरी जही समय राउत गरवा ढीला थे होर का कर गैया ये हाय होर याद जाएगी समय कई बार याद है मुझे बोला फिर भी गरवा बगरे देहान में है घोर जंगल कटकिट कटकिट डोंगरी करे चिड़िया चुनी कहा है कौवा काव नहीं करे ऐसे जंगल में लोरी के गरवा बगरे ओहो यहाँ सुनसान जंगल ओ बेटा हो रो रो आ है आ है यहाँ देख तो आज मुला अजगुन ऐसा लगते घुघुआ मेरी आते का देखे हो रो जो चल 10:11, 11:12 बजे से गरबा गा ले गया बढ़िया 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 ओहो यहाँ 12 लेखा बजा थे देखा था चांदार लगा अभी वेले नहीं आवा थे तेरा कान चेता आज हम संचेला थो कि नावे दे बेटा ऐसे कह के
करके देख ली। राल ले या घरी कहू देख लेता हूं। अरे जा बांसरी कारो मिला थे आवा थे तैसे लाग थेगा। अरे लोरी का कागा कुबिया का ख्याल राउत मन मन में सोचे मोरा जहरी समय करे मोरा बोला नमला में बहुत दौना ला पूछते लोरी का रिस का दौना ला किसके हाथ पर लाग रे संगवारी ये बहुरिया आए कौन है बाबा कौन है अरे बाबू ऐसे बेटी बाबू आ बार तो आ रही थी पर कौन दहन गीते बाजार जाओ का हाथ रही थी ये देखा था चंदाल ला फिर कते रहा चल दी ताए मन से तेला ये देखा कपड़ा पहना तो रहे ला कल अगर कपड़ा पहना तो लेनी रही थी कितना अंदर कहा की पूछा चल के पता लगा था बांसुरी तारों मिला थे आवा थे कैसे ला सो 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 चलो घंटा जाओ मोहन 12 पाली के आज बाजार जाए खावे लोरी मो चले भैया रे कहा तुम दीदी जही समय का बोले दीदी वो ये घर में लोरी पहुंचे मचला चलाई मो चले भैया रे मचला चलाई लोरी की आवाज सुने हैं खुबिया कठा था बड़ा खुशी मनाते मन मन में खुशी हो बना लागे रे संगवारी लोरी का है दादा का है का कसरे बेटा निचर भूल आ जा था गा तोला कैसे कह रहे हैं हम का कह रहे दादा बाजार जावे की जत कह रहे का गा आता हूं शंकर हां नहीं याद आते गा शंकर दादा अब तो जानता हाँ। राउत के जात एक अकेला चरवाहा और अति कति गरवा गाले चराना है दादा ओ त ले ऐसे कर बेटा हाँ। मैं गरवा डहन जावा था हाँ। अब जल्दी जा बेटा के बाजार का देख दादा बाजार जाबे करूँ हाँ। मगर गरवा गाले हिसाब से उसाल पे कहा बार औ ऐसे करते का दादा कोई मैं बाजार चल दी दू हूँ कोई आयल सांझ हो जाये तो गरवा गाल दू बांध देवे मैं दू बांध दू बेटा ठीक है।